हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रफल बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो फैब्रिक को हमने 4-4 में लिया हुआ है। अब हम वॉकिंग करेंगे, तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस का। आर्म होल भी मैं लूंगी 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ है मेरी 10 इंचेस, 1 इंच हमें ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 3.5 इंच। ये होगी हमारी फ्रंट की नेक की लेंथ। तो यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप देना है। ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। और यहाँ से हम वी शेप देते हुए बैक का नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। ये होगा हमारा बैक का नेक। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारा फ्रंट का नेक है उसे कट करना है, उसके बाद हम बैक का नेक कट करेंगे। तो ये देखिए, हमने कट कर लिया है। अब हमें अंदर से एक पार्ट को निकाल देना है, वो होगा हमारा फ्रंट का पार्ट। और इसे हम वापस 2 फोल्ड करेंगे। इसे अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद हमें ये जो हमारा बैक का नेक हमने ड्रॉ किया था उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह का शेप आएगा हमारा। बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस और ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रोक्स 26 इंचेस। तो इस तरह के 2 पीस हमने कट कर लिए हैं बॉटम पार्ट के लिए। अब यहाँ पे हम गैदरिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। हम रफल के लिए राउंड सर्कल कट करने वाले हैं, तो यहाँ से 2.5 इंचेस पे हमें मार्क करना है और इस तरफ से भी हमें 2.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप बनाना है। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5 इंचेस। यहाँ से भी हमें 5 पे मार्क करना है और यहाँ से भी हम 5 पे मार्क करेंगे। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें एक और राउंड शेप बनाना है, तो यहाँ पे हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, हमने इस तरह का सर्कल कट कर लिया है। अब एक तरफ से हमें इसे कट लगा के ओपन कर लेना है। इस तरह का ये सर्कल मैंने कट किया हुआ है, जिसे हम फ्रंट का रफल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और 2 और रेक्टेंगल पीस हमने कट किए हुए हैं, इस तरह के बेल्ट मैंने कट किए हुए हैं, जिसकी लेंथ में मैंने ली है 5 इंचेस की और ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 33 इंचेस। तो इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस मैंने कट किए हुए रफल बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे भी हम बड़े नंबरों की सिलाई लगाएंगे।
उसी तरह से ये जो हमने राउंड कट किया है उसमें भी हम रफल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई लगाएंगे और ये जो हमारा आउटर पार्ट है उसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो हमने बेल्ट कट की हो उसकी बॉर्डर भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है और यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई लगा दी है। अब हमें एक धागे को यहाँ से अलग करना है और हल्के हाथों से खींचते जाना है तो हमारी गैदरिंग बनती जाएगी। इसी तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग बनानी है और जो हमने रेक्टेंगल पीस कट किए थे उसमें भी हम गैदरिंग तैयार करेंगे। ये देखिए हमने तीनों में गैदरिंग बना दी है। अभी हमारा फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट का टॉप पार्ट है राइट साइड पे। उसके ऊपर हम ये जो हमने रफल तैयार की है उसे भी हम राइट साइड पे रखेंगे। दोनों नेक को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह से ये हमारा बैक का पार्ट है राइट साइड पे। उसके ऊपर हम ये दो रफल्स को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और दूसरा हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे पहले रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद इस स्ट्रिप को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें हल्के हाथों से नॉचेस लगाने हैं। इस तरह से हमें कट लगाने हैं हल्के हल्के हाथों से। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है और यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई करनी है। तो बस राइट साइड पे डबल फोल्ड करते जाना है और हमें सिलाई लगानी है। उसी तरह से हमें बैक का नेक भी तैयार करना है। ये देखिए हमारे दोनों नेक तैयार है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके हम आर्म होल्स तैयार करेंगे। तो राइट साइड है उसके ऊपर स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें नॉचेस लगाने हैं और नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है। तो उसी तरह से हमारे आर्म होल तैयार हो जाएंगे। आर्म होल तैयार होने के बाद हमें एक राइट पार्ट है उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखते हुए दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन करते हुए हमें शोल्डर फिटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें आर्म होल तैयार करने हैं, उसके बाद हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। ये देखिए हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है और हमारा आर्म होल्स बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है। उसके बाद हम गैदरिंग तैयार करेंगे। जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही हम यहाँ पे गैदरिंग तैयार करेंगे। ये देखिए हमने गैदरिंग बना दी है। अभी हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से बैक पार्ट में हम बैक का बॉटम लगाएंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड पे भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के गैप पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करनी है। तो दोनों तरफ से हमें 1 इंच के डिस्टेंस पर सिलाई लगाते हुए इसकी फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है तो इसे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे।
आप चाहे तो बड़ा सा इस तरह से बेल्ट भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है, नीचे की बॉर्डर हमारी तैयार है। अब हमें इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। बैक साइड पे टर्न करने के बाद हमने इस तरह के दो बेल्ट बनाए हुए हैं, ब्लैक फैब्रिक से हमने दो बेल्ट बनाए हुए हैं, जिसे हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसे नीचे रखते हुए हम सिलाई लगा के यहाँ पे लॉक कर देंगे और दूसरा हम इसके ऑपोजिट में सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद आप इसे यहाँ पे इस तरह से टाई कर सकते हैं। देखिए मैंने सिलाई लगा के लॉक कर दिया है, अब यहाँ पे हमें इसे टाई कर लेना है। तो देखिए तैयार है हमारा डिजाइनर बेबी फ्रॉक। और ये है उसकी बैक साइड। सो गाइस तैयार हमारा डिजाइनर रफल बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के नीचे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।